आठवें चैनल मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूं, जैसे कि इंट्रो से आपको समझ में आ ही चुका होगा, आज मैं शेयर करने वाली हूं हेयर रिलेटेड एक ऐसा वीडियो जो आई होप आप सभी को पसंद आने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि स्ट्रेट हेयर से आप बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं हमेशा पार्टी में, अगर आपके मेरे जैसे स्ट्रेट हेयर आप भी चाहते हैं कर्ल करना, तो आज मैं सिखाऊंगी बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल से आप किस तरह से घर बैठे ही हेयर कर्ल कर सकते हैं। तो मैं बता दूं मैंने कौन सा कर्लर यूज किया है, तो ये है वेगा का फ्रेंड्स, बहुत ही इजिली एक कर्ल करता है और इसका जो वायर भी है काफी अच्छा खासा इसमें लेंथ है। आपको सिंपल इसे लगाना है अराउंड 1.5 मिनट यानी 1.5 मिनट के करीब आप इसको हीट कीजिएगा, इसके बाद आप कर्ल करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा कर्ल आएगा। आपको अराउंड 5 to 10 सेकेंड आप रख सकते हैं, डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ योर हेयर। अगर आपका बाल थोड़ा सा थिक है तो थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा मुलायम है तो बहुत ही जल्दी से ये कर्ल करता है। तो इस तरह की एक मशीन सी आती है फ्रेंड्स, कलर है ये और ये ओपन होता है, आपको मैं सारा डेमो करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर है बिल्कुल शॉक प्रूफ है, ये प्लास्टिक मटेरियल है, इसका मेटल फिनिश बहुत ही अच्छा खासा है, लेंथी वायर है और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स इसका ऑन ऑफ का इस तरह का बटन है आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो वायर है 360 डिग्री रोटेट होता है, तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट टू यूज है, किसी भी तरह का आप हेयर स्टाइल कर सकते हैं। जो आज मैं दिखाने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, इस तरह का इसे आपको हीट करना होता है और यहाँ आपको इस तरह से स्टैंड में रख देना पड़ता है जब आपको रोल करना है। सारा कुछ मैं प्रोसेस बाय दिखाऊंगी और आपको जब इसको यूज करने के बाद आपको प्रॉपर इसी तरह से रखना है और ठंडे होने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, पैक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे हेयर स्ट्रेट एंड सिल्की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छे से कॉम कर लेना है और इसका पार्टीशन हमें करते जाना है जिस तरह से मैं बताऊंगी। अगर इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा ओवरऑल कर्ल आएगा। तो मैं अच्छे से इसे कॉम करके इसको पार्टीशन करूंगी, तो मैं इसे 3 स्टेप में डिवाइड करूंगी। 3 स्टेप के बाद फर्दर इसे और भी डिविजन करते हुए हम रोल अप करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने एक पोर्शन ले लिया है और 2 जो पोर्शन है आगे आप देख सकते हैं फ्रंट में है। इस तरह से मैं ऊपर में क्लच लगा लूँगी और उसे हम बाद में 1 by 1 रोल करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से कॉम करके आपको एक पार्टीशन जिस तरह से हम ऊपर में पानी करते हैं उस तरह से आपको पूरे आधे से ज़्यादा बाल ले लेना है, क्योंकि हम इसे 3 सेट में डिवाइड करने वाले हैं और इसे मैंने क्लच लगा लिया है। तो फ्रेंड्स साइड के जो बाल है उसमें से अराउंड जितना आपका थिकनेस है उस हिसाब से आप रोल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा थिक जो कर्ल्स होते हैं वो चाहिए या जो बारीक कर्ल्स होते हैं उस तरह के चाहिए, कैसा भी चाहिए आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने जो साइड के बाल है इसमें से मैं 3 सेट निकालूंगी, 3 डिवीजन करके इस तरह से रोल करते जाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं क्लैंप में आपको अटकाना है और इसे अराउंड मैंने 1.5 मिनट यानी 120 सेकेंड्स के लिए मैंने अच्छे से हीट कर लिया था और इसे आपको स्कैल्प में से बचा के रखना है क्योंकि ये हीट होता है। क्लैंप में आपको इस तरह से रोटेट कर लेना है, लगाने के बाद अपने हेयर को फॉलो द स्टेप, तो बहुत ही अच्छे से कर्ल आएगा। तो इसे अराउंड 5 to 10 सेकेंड रख सकते हैं, जिस तरह के आपके बाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अगर जल्दी से निकाला तो कम कर्ल्स होंगे, अगर आपको बहुत अच्छा सा कर्ल चाहिए काफ़ी तो आप थोड़ी देर और फ्यू सेकेंड्स और रख सकते हैं। तो अराउंड 10 सेकेंड्स आप इसे रख सकते हैं और इसे अच्छे से हीट कर लेना है। 120 सेकेंड्स काफ़ी है इसे हीट करने के लिए। तो इसी तरह से मैंने इसमें से सेकेंड स्ट्रैंड्स लिया है अपने बालों में से, उससे भी सेम प्रोसेस में मैंने रिपीट किया है क्लैंप में अटकाकर। आपको इस तरह से रोल करना है, आप देख सकते हो कितना अच्छे से रोल हुआ है। अब मैं इसी तरह से ये 3 पोर्शन जो मैंने डिवाइड किया है 3rd पोर्शन को भी इसी तरह से कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से सारा प्रोसेस रिपीट करना है। तो जैसे ही हमारा जो कर्ल होता जाएगा 1 by 1 लेयर हम करते जाएंगे क्लचर निकालने के बाद, तो इस तरह से मैंने एक तरफ का कर लिया, तो इस तरह से एक तरफ का हो चुका है मेरा। सेम दूसरी तरफ भी मैं 3 जो स्ट्रैंड्स है वो निकालूंगी, 3 डिवीजन करूंगी अपने हेयर के और उसी तरह से जैसे दिखाया गया है सेम प्रोसेस से मैं करूँगी। तो हीट ऑलरेडी मैंने कर लिया है कर्ल्स को और आप देख सकते हैं इस तरह से आपको फॉलो करना है। आगे का जो टिप होता है फ्रेंड्स बिल्कुल शॉक प्रूफ होता है, प्लास्टिक होता है, उसे भी आप होल्ड कर सकते हैं। जो ब्लैक सा है ऊपर में वो प्लास्टिक होता है, थोड़ा सा केयरफुली अगर आप 1-2 बार करेंगे तो आपको यूज्ड टू हो जाएगा आपका। चाहे तो किसी भी तरह का हेयर स्टाइल कर सकता है, चाहे आपके बाल लंबे हो छोटे हो, कैसे भी आप बहुत ही सुंदर सा कर्ल आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। बस एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाए तो बहुत ईजी हो जाता है इसे यूज़ करना।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा कर्ल आता है फ्यू सेकंड्स में ही। आप चाहे तो जैसा भी स्ट्रेंथ रखे, अगर आप थिक हेयर लेते हैं तो थोड़ा सा मोटा कर्ल्स आएगा, अगर आप बारीक सा हेयर लेते हैं तो पतला सा कर्ल आएगा बहुत ही सुंदर सा। और आप देख सकते हो इसी तरह से मैंने एक तरफ जो कर लिया था दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस से रिपीट कर लिया है। अब हम अपने बालों को खोलेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि एक पोर्शन ये मेरा बचा है इसे भी कर लेते हैं। और इसी तरह से फिर से क्लचर निकालेंगे, उसमें से थोड़े से बाल हम और लेने वाले हैं और जो कर्ल हो चुका है उसे मैं पीछे कर लूंगी। उसी तरह से रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस को। तो अब मैं जो क्लचर लगाया है उसमें से थोड़ा सा हेयर फिर से लूंगी, तो ये टोटल मैं 3 जो इक्वल पोर्शन है उसमें से करूंगी। तो एक पोर्शन हम रहने देंगे, पीछे का एक पोर्शन हम ले लेंगे इस तरह से मुझे चाहिए। और आप देख सकते हो जो कर्ल्स है वो मैंने बैक कर दिया है। अब इसमें से जो हाफ पोर्शन है फिर से उससे क्लचर लगा देंगे और बाकी का फिर से हम सेम प्रोसेस से रिपीट करेंगे। आप चाहे तो अपने जो जितना भी थिकनेस है उस हिसाब से बालों का जितना स्ट्रैंड चाहे आप उसे कर्ल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे क्लचर लगा दूंगी फिर से और जो पीछे के जो मैंने बाल लिए हैं सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। एक या दो स्ट्रैंड जिस तरह से मेरे बालों का थिकनेस है उस तरह से मैं करूँगी। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, इस तरह से रोटेट करना है, कर्ल करते जाना है। और आप देख सकते हो बहुत ही इजी वे में ये सारा कुछ हो जाएगा। इसे मैं अराउंड 2 डिवीजन की हूँ तो दोनों डिवीजन को मैं कर लूँगी अच्छे से कर्ल। तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, आप चाहे तो इसे कैरी करके जब भी ट्रैवल करने जाए आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा स्टाइलिश लुक मिलेगा, किसी भी जो ड्रेस के हिसाब से आप अपने हेयर को स्टाइल दे सकते हैं स्टाइल लुक। तो इस तरह से मैं सेकेंड जो हिस्सा है उसे भी इसी तरह से कर लूँगी। जब आप करें तो स्पेशली आपको अच्छे से कॉम कर लेना है, तो मेरे बाल ऑलरेडी सिल्की है तो मुझे कॉम करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रफ रहते हैं तो आप थोड़ा सा अच्छे से कॉम कर लीजिएगा, तब आप अगर इसे अच्छे से कर्ल करेंगे तो बहुत अच्छा सा लुक आएगा, बिल्कुल स्मूदन सा दिखेगा। और आप देख सकते हो इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल जो है हमारा थर्ड फ्रंट पोर्शन का, उसे मैं इक्वली डिवाइड करूंगी 2 पोर्शन में। तो मैंने क्लचर को रिमूव कर दिया है और इस तरह से साइड में दोनों बाल आ गए हैं और मैं इस तरह से कर्ल करूंगी अपने हेयर को। आप देख सकते हो सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और ये डिपेंड करता है कि आप अंदर की तरफ कर्ल करते हैं कि बाहर की तरफ, उससे भी लुक थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने किया है तो इसी तरह से मैं साइड में भी सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगी और फाइनली ये हमारा हेयर कर्ल हो जाता है फुल ऑन आगे से पीछे तक, बहुत ही अच्छा वेवी सा लुक आता है। तो दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस मैं कर लूंगी और जिस हिसाब से मेरे बालों का थिकनेस है उस हिसाब से मैंने सारे स्ट्रैंड्स लिए थे अराउंड, जितने भी जो पार्टीशन लिए थे आपको अपने बालों के जो वॉल्यूम होते हैं उसी हिसाब से लेना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ये आया है कर्ल बिल्कुल। अब आपको फिंगर टिप से इसे अच्छे से कर्ल को हल्का सा खोल लेना है, आप चाहे तो जिस तरह से भी इसे कर सकते हैं। मैंने हल्के हाथों से इसे ओपन कर लिया है जो कर्ल्स है और ये बहुत अच्छे से बिल्कुल वॉल्यूम देता है फ्रेंड्स आपके बालों में, बहुत ही अच्छा सा लुक देगा। आप चाहे तो मैं दिखाऊंगी साइड मांग भी कर सकते हैं और बीच का मांग भी इस तरह से कर सकते हैं जैसा चाहे। थोड़ा सा मैं जब ओपन करूँगी कर्ल्स को तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बीच मांग में भी बहुत अच्छा लगता है, साथ में इस तरह से आपने अगर साइड भी किया है तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट करता है। तो इस तरह से फंक्शन और पार्टी में विद इन फ्यू मिनट्स आप अपने हेयर को स्टाइलिंग कर सकते हैं। कोई भी ड्रेस में ये जो हेयर स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है, चाहे आप मॉडर्न वेयर करते हो या ट्रेडिशनल वेयर, ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देने वाला है आपको। तो फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट का मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं मेरे चैनल को। तो मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।